of viewers, this is R.K. Azhar, Prime Minister TV today. घिनौनी साजिश की जा रही है। बाकायदा कानूनी रूप से ये जमीन इनकी है जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उस सब के बावजूद हाई कोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये लोग हैं यहाँ पर, 4,365 यहाँ पर घर हैं। अब देखते हैं कि कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कल क्या स्थिति होती है सुप्रीम कोर्ट में उससे पता लगेगी। मैं यही लोगों को कहूंगा अभी कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को, जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल राज्य सरकार ने अनदेखी अपने नागरिकों को भी करी और अपनी जमीन को भी खोने को तैयार है। रेलवे अतिक्रमणकारी है।